मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव होता है तो टिकटों पर आपसी खींचतान बहुत स्वाभाविक चीजें हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि सबसे प्रबल दावेदार को, जिसकी जीत सुनिश्चित हो, उसको टिकट दिया जाए। यहाँ पर भी यही मामला है। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन परिवार के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं अखिलेश जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग उनसे टच में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो बात करके सुलझाई ना जा सके, वार्ता से वो सॉल्व ना हो सके। हर बार इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा देना या उस पर अनिश्चितताएं लगा देना, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी और अपरिपक्वता है। ऐसा कोई भी बात नहीं है जिस पर हम बैठकर आपसी विवाद को सुलझा ना सके। ये मतभेद हैं, हमारे मनभेद नहीं है। आपकी बात मैं कमलनाथ जी तक पहुंचा दूंगी। वो तो कह रहे हैं कि छोड़ो अखिलेश को, मैंने बोला ना आपकी बात मैं पहुंचा दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो सवाल आते हैं वो कहीं पर इस बात की अवमानना कर देते हैं कि जो लोग डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो लीडरशिप हो मध्य प्रदेश की, चाहे वो कांग्रेस की लीडरशिप हो, ये सब लोगों का बड़ा निर्वाचित एक इतिहास रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको हमारी और आपकी राय की उतनी जरूरत है। मुझे लगता है उन्होंने कुछ सोचकर ही निर्णय लिया होगा और उस निर्णय को हम परिणाम देखेंगे। जो कई जगह विरोध भी हो रहे हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ के जा भी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के कल तक जिला अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, उन लोग को भी शामिल करके टिकट ही दे दिए गए। तो यही मैंने आपसे मैं कहना चाह रही थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ भी रहे हैं, जिसकी सबसे प्रबल दावेदारी रहेगी प्रचंड बहुमत से हमें सरकार बनानी है, सही काम करना है, डाका ना पड़े, इसलिए पूरी विश्वास है कि जनता जो है वो अपने मताधिकार के साथ जो अवमानना हुई थी उसका पूरा बदला लेगा। तो मुझे लगता है टिकट तो उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो सबसे प्रबल दावेदार होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि हर सीट से एक से ज्यादा आवेदक होते हैं, टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा। तो थोड़ी बहुत रुष्टता और थोड़ी बहुत असहजता स्वाभाविक है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं पर भी उस तरह का विरोध नहीं हो रहा है जैसा कि राजस्थान में भाजपा के साथ हो रहा है। जिन सांसदों को घर से निकलने नहीं दे रहे उनके कार्यकर्ता और उनको बोरिया बिस्तर समेट करने के धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी बहुत रुष्टता, थोड़ी बहुत नाराजगी हर पार्टी में होगी। टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है, आवेदक बहुत सारे होते हैं। मुझे उसको लेकर सिर्फ इतना कहना है कि कुछ सवाल उठाए गए हैं, भाजपा के अंदर अगर दम है तो उन सवालों का जवाब दे, उस घोटाले की जांच कराए। सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ बदसलूकी की जाएगी, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनका चरित्र हनन किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी के सबसे परम मित्र अडानी के घोटालों की परत दर परत खुलती जा रही है। आप सारी बातें भूल जाइए, उस घोटाले पर रोज नया एक मामला सामने आता है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही, कब होगी उसकी जांच? जो सवाल उठाए गए हैं और जिसने भी उठाए हैं, उन सवालों का जवाब कहां? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।